गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, मन में रहना, भेद न कहना, बोलिवा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होएवा हे अवधु, तो आपन होएवा पानी। लेकिन आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। आप लखीमपुर खेरी को देखिए तो आगरा को देखिए, जहां पे 30 दलितों को उठाकर 3 दिनों के लिए पुलिस के थाने में रखकर निर्ममता से मारा पीटा। मैं उस परिवार से मिली, उस लड़की से मिली जिसके पति की हत्या उसके सामने पुलिस ने मार मार के की, जो उसने मुझे बताया, मैं यहां इस मंच पे दोहरा भी नहीं सकती कि क्या दृश्य उसको देखना पड़ा। और उसका 1 महीने का बच्चा अभी भी दूध पीने वाला बच्चा है, उसके लिए कोई सहायता नहीं आई सरकार की तरफ से। उसी तरह से जहां जहां मैं जाती हूं, मैं सिर्फ यही दुख देखती हूं कि जहां संकट है, जहां मुश्किल है, जहां संघर्ष है, वहां सरकार अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और मदद नहीं करती। मैं लखीमपुर खेरी गई, आप सबने देखा होगा लखीमपुर खेरी में जिस तरह से किसानों की हत्या की गई और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। उस तरह से सरकार ने दिखाया कि उसकी असलियत क्या है, कि जो बड़े बड़े विज्ञापन है, जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से किसानों की इस देश में बिल्कुल सुनवाई नहीं रही। आज अगर किसान प्रताड़ित है, त्रस्त है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, तो सरकार उसकी इतनी भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी वर्ग को लीजिए, दलितों को लीजिए, बुनकरों को लीजिए, पिछड़े वर्ग को लीजिए, कोई भी गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मणों के साथ भी भयंकर शोषण हुआ है। मैं जहां जहां जाती हूं तो ये जो इश्तिहारों में, विज्ञापनों में देखती हूं, इससे एकदम अलग, एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई मैं देखती हूं। मैं कुछ महीनों पहले प्रयागराज में बसवारा गांव गई थी, एक निषादों का गांव है। जब मैं वहां गई तब पुलिस और प्रशासन ने निषादों की नाव जला डाली थी, बहुत ही संकट में थे गांव वाले। मुझे तट तक ले गए दिखाने के लिए कि कैसे बेहाल कर दिया था उनके नावों को, किस तरह से राख बना दिया था। नाव निषादों की मां होती है, उनकी जीविका होती है। आप जानते हैं कि अगर किसी का अधिकार है नदी पे, तो निषादों का अधिकार है। इस सरकार ने वो अधिकार छीना, इस सरकार ने उनको पीटा। जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमारी नाव को ऐसे जलाया क्यों, तो उनको पीटा और उनको प्रताड़ित किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।